हाय गाइस, दिस इज अंजन सिंह एंड यू वाचिंग योर ऑन चैनल माइल्स टॉक मनी। गाइस, आज की एक्सपायरी कैसी रही आप लोगों की? गाइस, आई होप आप लोगों ने आज बड़ा पैसा लूज नहीं किया होगा, क्योंकि मोस्टली मैंने जितने भी ट्विटर पे देखा तो बहुत सारे लोगों ने अपना पूरा का पूरा अकाउंट साफ कर लिया और मोस्टली लोगों ने बहुत ही ह्यूज अमाउंट अपना लूज किया है आज मार्केट के अंदर। सो आई होप आई विश कि आप लोगों ने आज बड़ा पैसा लूज नहीं किया होगा, और आप अगर हमें फॉलो कर रहे हो तो आप लोगों ने आज अच्छा खासा पैसा बनाया होगा। सो गाइस, आज के दिन में जो इतने वाइल्ड मूवमेंट आए हैं, क्यों ऐसे मूवमेंट्स आए, तो आज हम लोग उन सब चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। आज का डेटा अभी तक NSE की साइट से अभी तक हम लोग को डेटा नहीं मिला है, तो फिलहाल हम लोग आज की शीट पर हम लोग बात नहीं करने वाले हैं। कल की शीट को हम लोग देख के आज डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि आज के दिन में मार्केट में इतने बड़े बड़े मूवमेंट आए क्यों हैं। सो गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है, बिफोर लास्ट डे हम लोगों ने आप लोगों से जो शीट शेयर किया था, जो वीडियो शेयर किया था, आप लोगों ने क्लियरली बोला था कि मार्केट का डेटा पॉजिटिव है, लेकिन उसके अगेंस्ट में कल के दिन में हुआ क्या, मार्केट में एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली हम लोगों को। कल के दिन में डेटा बियरिश बना, लेकिन आज के दिन में हुआ क्या, उसका अगेंस्ट में पूरा का पूरा मार्केट जो था वो ऊपर की तरफ आया। ठीक है, एक्चुअली हुआ क्या, एक्चुअली हम लोग आज इस चीज़ पर डिस्कस करते हैं। तो मोस्टली जैसे हम लोगों ने देखा कि रिटेलर्स ने आज पैसा लूज किया, एक्चुअल में रिटेलर्स और प्रो के बीच में और FIs के बीच की लड़ाई आज थी ही नहीं, आज की जो लड़ाई थी वो थी प्रोज और FIs के बीच में। तो क्लियरली अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो डेटा की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ आपको दिखेगा, तो FIs ने कल के दिन में क्या किया था और प्रोज ने कल के दिन में क्या किया था। हम लोग बात कर रहे हैं इंडेक्स कॉल्स की, तो यहाँ आपको प्रोज का डेटा दिखेगा। प्रोज ने क्या किया, यहाँ पर प्रोज की जो कॉल के अंदर शॉर्ट्स थे अराउंड 219,000 के आसपास में, वो बढ़ करके कल के दिन में कितना हो गए थे अराउंड, तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिखेगा कि प्रोज ने क्या किया था। ठीक है, दो दिन पहले प्रोज ने क्या किया था, यहाँ पर आपको दिखेगा कि वो उनका शॉर्ट था कॉल्स के अंदर, इंडेक्स कॉल्स के अंदर वो लोग शॉर्ट थे अराउंड 220,000 के आसपास में, जो कि परसों के दिन में बढ़कर के हो गए थे अराउंड 232,000 के आसपास में, और कल के दिन में और इन लोगों ने शॉर्ट किया और अराउंड इनकी क्वांटिटी हो चुकी थी अराउंड 366,000 के आसपास में। वहीं उनके अगेंस्ट में अगर हम लोग बात करें FIs की, तो FIs ने क्या किया, 81,000 क्वांटिटी के अंदर ये लोग कॉल्स बाय करके गए थे। परसों के दिन में क्या किया, इनका क्वांटिटी बढ़कर क्या कितना हो गया अराउंड 1,00,000 क्वांटिटी इनका हो गया, और कल के दिन में ये अच्छी खासी क्वांटिटी बाय करके गए थे अराउंड 1,37,000 क्वांटिटी के आसपास ये लोग बाय करके गए थे कल के दिन के अंदर। ठीक है, अभी हम लोग बात करते हैं इंडेक्स पुट की डेटा की, तो इंडेक्स पुट के अंदर इन लोगों ने क्या किया था। हम लोग बात करें अगर प्रोज की, तो प्रोज 30,000 क्वांटिटी शॉर्ट करके बैठा हुआ था, जो कि दो दिन पहले इनकी क्वांटिटी हो चुकी थी अराउंड बढ़ करके अराउंड 2,00,000 के आसपास में, मतलब -2,00,000 के आसपास में ये लोग शॉर्ट करके बैठे थे इंडेक्स पुट के अंदर। वो कल के दिन में थोड़ा सा डेटा कम हुआ इनका और अराउंड 1,57,000 फिर भी ये लोग शॉर्ट थे नेट नेट। तो एक्चुअल में हो क्या रहा है, अगर हम लोग क्लाइंट की बात करें तो क्लाइंट तो चलो नॉर्मली हम लोग पता है क्लाइंट के अगेंस्ट में ही डेटा बनता है इन लोगों का, ये कल अभी लास्ट दो दिन से तीन दिन से एक्चुअली में ऐसा हुआ नहीं। हुआ क्या, तो नॉर्मली ये जो दो बिग शार्क है प्रोज और FIs, ये नॉर्मली क्या करते हैं, ये लोग दोनों मिलकर रिटेलर को लूटते हैं, लेकिन अभी आज की एक्सपायरी में हुआ क्या, एक्चुअल में ये दोनों आपस में ही लड़ने स्टार्ट हो गए। ठीक है, और इतना बड़ा जो मार्केट के अंदर जो वाइल्ड मूवमेंट आए हैं सिर्फ इस वजह से आए हैं क्योंकि प्रोज का अगर आप देखो तो प्रोज कंटिन्यू कॉल्स में भी शॉर्ट करके बैठा हुआ था और पुट में भी शॉर्ट करके बैठा हुआ था, और कहीं ना कहीं FIs ने उस चीज का फायदा उठाने की कोशिश की आज के दिन के अंदर, और इन लोगों ने क्या किया, दोनों साइड में बड़े बड़े मूवमेंट लाके उनको कॉल्स के अंदर भी कहीं ना कहीं पे इनको लॉस करने की कोशिश की और पुट के अंदर भी लॉस करने की कोशिश की एज पर डेटा, मेरे को ये फिलहाल समझ में आ रहा है। ठीक है, नहीं तो इतने बड़े बड़े मूवमेंट मार्केट में लेके आना ओनली क्लाइंट को लूटने के लिए, क्लाइंट का पैसा लूटने के लिए पॉसिबल नहीं था आज के मार्केट के अंदर। अगर आपको यहाँ पे क्लियरली दिखेगा डेटा के अंदर, तो यहाँ पे जो चीज आपको दिख रहा है ना, नॉर्मली प्रोज जो होते हैं मोस्टली शॉर्ट ही करते हैं, लेकिन मोस्टली टाइम पे क्या दिखेगा ना आपको कि FIs के साथ में ही जो रहता है। अभी अगर मैं पुरानी कोई शीट अगर आपको दिखाऊं यहाँ पे, तो यहाँ पर हमारे पास पुरानी शीट है, तो यहाँ आपको दिखेगा मोस्टली टाइम पे क्या दिखेगा आपको कि जो चीज अगर यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो जो चीज मोस्टली टाइम पे क्या होता है, जो चीज प्रो कर रहा है वही चीज FIs भी कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे FIs बाय करके गया है, प्रोज भी बाय कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें इंडेक्स कॉल पुट्स की, तो यहाँ पर भी FIs ने बाय किया, तो यहाँ पे प्रोज ने भी बाय किया। आपको मोस्टली टाइम पे ये दिखेगा कि इन दोनों का जो डेटा होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है। ठीक है, दोनों साइड में इतना बड़ा डिफरेंस नहीं होता, जो कि अभी इस वाले एक्सपायरी में हम लोगों को देखने के लिए मिला। अभी ये चीज डिकोड करने के लिए हमें, क्योंकि ये चीजें मेरे लिए भी नहीं थी, तो ये चीज हम लोग कल परसों डिकोड नहीं कर पाए, क्योंकि अगर आप लोगों ने देखा होगा तो परसों के दिन जब हम लोगों ने वीडियो शेयर किया, तो वहां पर हम लोगों ने बताया कि मार्केट के अंदर डेटा बुलिश बन रहा है और मार्केट उसके अगेंस्ट में नेक्स्ट डे ओपन हुआ।
अच्छा खासा गैप डाउन ओपन हुआ और वहां से मार्केट में कंटिन्यू सेलिंग ही देखने को मिली हम लोगों को। कल का मार्केट का डेटा जो था वो बियरिश था और आज अगर आप लोग देखोगे तो मोस्टली टाइम पे हम लोगों को मार्केट ग्रीन साइड में ही देखने को मिला। एक बार रेड साइड में गया था मार्केट, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखोगे तो मार्केट पूरा ग्रीन साइड में ही था। यहाँ पर जो मोस्टली लोग जो सोच रहे कि हम लोगों ने इतना बड़ा बड़ा पैसा लूज किया, सब कुछ किया, लेकिन एक्चुअल जो रियल गेम जो था ना वो प्रोज और एफआईएस के बीच में था। तो ये जो दो बिग शार्क थी वो आज आपस में ही लड़ाई कर रही थी, इसलिए आई थिंक मार्केट के अंदर हम लोगों को इतने वाइल्ड मूवमेंट आज हम लोगों को देखने को मिले। अभी जिन लोगों ने हम लोगों को ज्वाइन किया था, आज हम लोगों ने 5 ट्रेड दिए थे, वहां पर उसमें 2 ट्रेड में हमारा स्टॉप लॉस चला गया और 3 ट्रेड ऐसे थे जहां पर हम लोगों को अच्छा खासा जैकपॉट प्रॉफिट देखने को मिला और मोस्टली लोगों ने आज पैसा अच्छा खासा अर्न किया। अभी गाइस नेक्स्ट एक्सपायरी जो है वो मंथली एक्सपायरी है और अगर आप लोग चाहते हैं ज्वाइन करना तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहां जाके ज्वाइन कर सकते हैं। मंथली एक्सपायरी गाइस और भी एक्शनेबल होने वाला है, तो गाइस डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, आप लोग जाके ज्वाइन कर सकते हैं। अभी तक डेटा हमारे पास में आया नहीं है तो आज का डेटा पे हम लोग बात नहीं करेंगे। ये हम लोगों ने डिकोड करने की कोशिश की आज के दिन में मार्केट में इतने बड़े मूवमेंट क्यों आए हैं, ठीक है। और जो लोग सोच रहे हैं कि हम लोगों ने बड़ा बड़ा पैसा लूज किया है, तो आप लोगों से ज़्यादा गाइस आज प्रोज ने पैसा लूज किया होगा, ठीक है, क्योंकि प्रोज कंटिन्यू दोनों साइड में शॉर्ट करके बैठा हुआ था और FIS ने उसी चीज़ का फायदा उठाया और उसे दोनों साइड में आज इन लोगों के स्टॉप लॉस ट्रिगर करने की कोशिश की है। सो आई होप गाइस आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका अपना चैनल है गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।